हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ लेट। लेट का जनरली कोई मीनिंग तो होता नहीं है, जैसे कि लेट का मतलब ये आप मान लें। लेट का वैसे मतलब होता है मानेंगे तो मानना, कोई चीज़ एज्यूम करना, वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब सिर्फ लेट ही नहीं होता, इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं अपन देखते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में कहा जाए कि उसे खाना खाने दो, उसे गाना गाने दो, उसे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, तो इस तरह की जो चीज़ें हम बोलते हैं तो उसमें हम लेट का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर या परमिशन के हम यूज़ करते हैं इसमें, या तो हम ऑर्डर देते हैं या फिर हम परमिशन दे देते हैं। तो दो तरह की चीज़ों में हम लेट का यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, फिर इसके बाद आप जो सब्जेक्ट होता है वो लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला हो गया बेसिकली, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जैसे उसे खाना खाने दो तो क्या हो जाएगा, लेट उसे मीस हो जाएगा लेट हिम, अगर लड़का है तो हिम, है ना, लेट हिम ईट फूड, उसे खाना खाने दो। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मुझे बोलने दो तो क्या हो जाएगा, लेट मुझे मी सामी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका प्रोनाउन यूज़ करते हैं आप, नाउन यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, आप क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। तो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। जैसे उसे जाने दो तो क्या हो जाएगा, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे मरने दो तो क्या हो जाएगा, लेट हिम डाई, उसे मरने दो। अब इस तरीके से हमारा लेट की यूज़ आप समझिए हो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसे खाना खाने दो, उसे गाना गाने दो, उसे बोलने दो, मुझे सोने दो। जैसे अगर मैं बोलूँगा मुझे सोने दो तो कैसे बोलूँगा, लेट मी स्लीप, मुझे पढ़ने दो। जैसे आप कोई चीज़ लेट मी डू स्टडी, मुझे पढ़ने दो तो लेट मी डू स्टडी। तो ये चीज़ आई आपको समझ में, ये हो गया लेट। अब एक होता है लेट, आप जनरली यहाँ पे लेट एज होता है, एक लेट एज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लेट्स, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेट्स। ये लेट एज जो होता है, लेट एज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेट्स बोलते हैं, लेट्स। तो चलिएगा अब इसको हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने यूज़ ऑफ लेट पढ़ा था, वैसे यूज़ ऑफ लेट एज या लेट्स हम पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, इस पहले समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, जैसे लेट एज, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे चलो पार्टी करते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो बाहर घूमने जाते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से जब हम वो सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में लेट से शुरू करते हैं। जैसे हम कहें चलो बाहर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर जाते हैं, लेट्स गो आउटसाइड मीन्स ये सजेशन हो गया, क्या हो गया, ये सजेशन हो गया। चलो पार्टी करते हैं तो क्या होगा इसका, लेट्स डू पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, लेट्स डू पार्टी। मतलब यहाँ पे जो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं लेट का, तो चलो पार्टी करते हैं, तो लेट्स डू पार्टी, चलो दोस्ती करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट्स डू फ्रेंडशिप, चलो दोस्ती करते हैं, लेट्स डू फ्रेंडशिप। अगर मैं कहूँ कि चलो पढ़ाई करते हैं तो लेट्स डू स्टडी। तो यहाँ पे जब हम सजेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे लेट अस या लेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं।
तो ये आपको आगे समझ में, तो होप यू गाइस आपको चीज समझ में आई होगी, बहुत ज्यादा सिंपल है लेट और लेट अस का, लेट अस और इसको शॉर्ट फॉर्म हम लेट्स यूज करते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह के सेंटेंस में लेट का यूज करना है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको और भी कोई नए टॉपिक और वीडियो चाहिए हो तो, अगर लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।